जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया न संस्कृति को समाप्त होने दिया, इसलिए दुनिया की सारी सभ्यताएं मिट गई। लोग तो जिसको दुनिया की पुरानी संस्कृति कहते हैं उसके अवशेष 4000 वर्ष पहले मिलते हैं, लेकिन अब हमारे यहां जिन संस्कृतियों के अवशेष हमको मिल रहे हैं और विशेष रूप से जहां हमारी सनातन संस्कृति के जो अवशेष मिल रहे हैं वो कम से कम प्रागतिक स्वरूप में 10000 साल पुराने हैं, तो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब जब हम पर आक्रमण हुए उन आक्रमणों ने और उन आक्रांताओं ने केवल एक ही प्रयास किया, हमारी अस्मिता को समाप्त करने का, हमारी पहचान को समाप्त करने का। और इसलिए आक्रमण हुए तो हमारे मंदिरों पर हुए, आक्रमण हुए तो हमारे विश्वविद्यालयों पर हुए, क्योंकि वो जानते थे जब तक इस देश के अंदर सनातन ज्ञान मौजूद है, जब तक इस देश के लोगों की श्रद्धा अपने ईश्वर पर है, तब तक इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए राम का मंदिर तोड़ा, कृष्ण का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये सारे मंदिर इसलिए तोड़े गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मंदिर तोड़कर भी इस संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए, क्योंकि यहां के संतों ने हमारे मन में मंदिर को जीवित रखा, हमारे मन में संस्कारों को जीवित रखा, हमारे मन में भावनाओं को जीवित रखा। और आज फिर एक बार, एक समय था जब ये टूटे हुए मंदिरों को फिर साधने का काम हमारी महाराष्ट्र की बेटी अहिल्याबाई होळकर ने किया था, और आज फिर एक बार वही काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। प्रभु श्री राम का मंदिर ये केवल मंदिर नहीं है, ये एक प्रकार से गुलामी की जो निशानी है उसको समाप्त करने का काम आज प्रभु श्री राम जी के मंदिर के माध्यम से हो रहा है।